हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर MSW के लिए वीडियो बनाएं, क्योंकि MSW का एंट्रेंस होने वाला है और कब होने वाला है, कितनी इसकी कट ऑफ जाती है, कितने में एडमिशन हो जाता है, इस बार सीट इंक्रीज हुआ था उस पर मैंने एक ऑफिशियल प्रूफ के साथ आपके लिए एक वीडियो बनाया था, आपको वो देखना चाहिए। BHU MSW के प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें हम देखने वाले हैं, ताकि जो लोग भी सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, और हमारे इस अभी कैंपस में काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना करा भी रही हैं, प्लेसमेंट को लेकर प्लेसमेंट ड्राइव चल भी रहा है, तो आप इसका इंपॉर्टेंस जानते ही हो पहले से भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल से, क्योंकि फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भर रहा है तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 29 फरवरी है। अब बात करेंगे एग्जाम डेट कब है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एग्जाम डेट कब है, तब आप अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाओगे, एक बहुत ही तरीके से आप में मोटिवेशन आएगा कि हमारी तैयारी जो है उस लेवल की होनी चाहिए कि हम अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। 27/5 को ये वेडनेसडे डे है, वेडनेसडे को इसका एंट्रेंस होगा और सेकेंड शिफ्ट में होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बहुत सारे जो और कोर्सेज हैं उनके साथ इसका एंट्रेंस होगा, और जैसे कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, टूरिज्म मैनेजमेंट, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं उसके साथ इसका एंट्रेंस होगा। लेकिन इसमें GDPI होता है। GDPI के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन BHU MSW के प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया है, GDPI कैसे तैयार करना है, क्या करना है, और फिर एंट्रेंस जब आप क्रैक कर लोगे तो फिर आपके लिए मैं फिर से बनाऊंगा। तो लेकिन उस वीडियो को जरूर देखें, MSW के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मेरे इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसे आप विजिट करना चाहिए। मैं अभी सेकेंड ईयर में यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैंने इस सब्जेक्ट में के एंट्रेंस में टॉप रैंक हासिल किया था, रैंक मेरा 1 था, तो आपको इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए और एक मैं बहुत ही बेहतरीन आपको गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने एंट्रेंस के डेट देख लिए, अब बात करेंगे सीट इस बार कितनी है। मैंने सीट भी दिखाई थी आपको, 59 एटलीस्ट लोगों का एडमिशन होगा और इससे ज़्यादा भी लोगों का एडमिशन होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। MA में इतने कोर्स बड़ी इतनी सीटें जो हैं बहुत कम मिलते हैं लोगों की। इसकी फ़ी क्या है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, आप प्लेलिस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कट ऑफ हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना है, आप कैसे अपने प्रिपरेशन को इन 3 महीनों में, चूंकि एग्जैक्टली 3 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने में किस तरीके से तैयारी करते हैं। जो मेरे इस चैनल पे सीरियस स्टूडेंट हैं, जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, नोट डाउन करते हैं, मेरे करंट अफेयर्स डेली देखते हैं, मैं आज ही दावे के साथ कहता हूँ कि उनका एंट्रेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात आप समझ लीजिए अभी से ही। अब जो इसमें मेनली फैक्ट है कि हाउ टू प्रिपेयर प्लेलिस्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है। 120 मिनट मतलब 2 आवर का एग्जाम होगा, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, किस किस सेक्टर से क्वेश्चन होंगे ये भी मैंने बताया है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, और 360 मार्क्स के जो है टोटल होंगे। आपका निगेटिव कितना होगा, 1/3 निगेटिव होगा, ठीक है। 2 घंटे 120 क्वेश्चन रहेंगे, और मैंने जो इससे पहले MSW के प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस दिया है कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, उन सब सब्जेक्ट से सवाल पूछे गए हैं और आपको वो सब पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ाई तो शुरू कर ही दी होगी, लेकिन अभी इन लास्ट के 3 महीने में क्या क्या और पढ़ना चाहिए इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस MSW के सिलेबस के लिए, वो है पॉलिटी। पॉलिटी का एंट्रेंस में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, पॉलिटी जरूर पढ़ें, और पॉलिटी के अगर आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत है तो हमारे इस चैनल पे पॉलिटी का एक अलग प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सारे पॉलिटी के चैप्टर्स जो है मैंने MSW के लिए ही पढ़ाए हैं, तो आपको वो देखना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पॉलिटी से 4-5 से कभी कभी 7-8 सवाल भी पूछे गए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं 2018 तक, तो आप प्लेलिस्ट में उसे देख के खुद भी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, किस किस सेक्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं पूरा डीपली एनालाइज करके मैंने बनाया है, तो हर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको वो देखना चाहिए। पॉलिटी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें जिससे सवाल ज़्यादा आते हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, क्योंकि जो MSW कोर्स है वो आपको समाज में काम करना होता है, लोगों के बीच जो गरीब दलित और ऑप्रेस्ड सप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड पीपल जो भी हैं उनके लिए आपको काम करना होता है, तो उनके बीच में रहने के लिए पहले उन्हें समझना होगा। ऐतिहासिक बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप जानते हैं हमारा देश कितना डाइवर्स है, इतनी डाइवर्सिटी है उतनी ही ज़्यादा यहाँ दिक्कतें हैं,
कई तरह के सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिकल डायमेंशन हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, इसको जानने के लिए आपको सोशल और रिलीजियस हिस्ट्री जो है वो जानना चाहिए। तो हिस्ट्री में मेरे जितने चैप्टर्स डाले गए हैं वो मेनली सोशल वर्क के लिहाज से ही डाले गए हैं, ताकि वो जो है आप क्रैक कर पाओ और देख पाओ। तो उन चैप्टर्स को आप बुक से भी पढ़ो, मैं अभी इसमें बुक का नाम भी बताऊंगा कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं पुराने वीडियो में भी, वो आप देख सकते हो। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो मैं मोटे मोटी चैप्टर बता देता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैं जो भी वीडियोज डालूँ उसको लास्ट तक देखें, क्योंकि वो VVI चैप्टर्स हैं, इसलिए मैं उन पर मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। और दोस्तों, आप सबको मैं बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो आपके तरफ से एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और बहुत अच्छे तरीके से मैं काम करूं। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बाद जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है बीच के एंट्रेंस में मैं देख रहा हूं आजकल करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन रह रहा है, कोई भी एंट्रेंस हो इसमें। तो चूंकि जितने भी एंट्रेंस होने वाले हैं वो करंट से रिलेटेड ही हैं, जैसे मास्टर्स इन टूरिज्म मैनेजमेंट, मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, इन सबों में करंट चूंकि कॉमन एप्टीट्यूड होने वाला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, तो इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं अपने इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स डालता हूँ। करंट अफेयर्स की सबसे अच्छी खासियत ये है कि उस करंट अफेयर्स में मैं 100 से 150 अलग से जनरल स्टडीज जो भी जीके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका भी रिविजन कराता हूँ विथ मैप, जो कि सवाल में पूछे जाते हैं। तो आपका क्या क्या फायदा हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपके हो जाएंगे, फिर GS भी आप रिवीजन कर पाओगे और मैप के साथ पढ़ लोगे, तो आपका मल्टी डायमेंशनल बेनिफिट है। मात्र 15 मिनट सुबह में, आप कभी भी सुबह में आप निकाल के रखो, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, एक तरीके से नॉलेज का हाइपर कैप्सूल है वो। और जो अगला चीज़ है, करंट अफेयर्स आपने देख लिए तो मैक्सिमम चांसेस आपके सक्सेसफुल के हैं। करंट अफेयर्स का एक और फायदा है, आप जब GDPI देने जाओगे तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास फैक्ट रहेगा, उसी फैक्ट को वहाँ बोलना रहता है। अब बात करेंगे साइंस की। साइंस की जो है क्लासेज हमारे चैप्टर्स पे शुरू कर दी गई हैं। बायो और केमिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए बायो और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप साइंस में इन सब ग्रुप्स को पढ़ें, स्टडी करें। अब बात करते हैं बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। तो बुक्स जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा है GS पढ़ सकते हैं लूसेंट, फिर मैथ पढ़ सकते हैं और रीजनिंग। जनरल स्टडीज़ के लिए लूसेंट आपको पढ़ना है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, वो वीडियो आपको देखना चाहिए प्लेलिस्ट में कि कौन कौन से बुक्स पढ़ें, सिलेबस पढ़ें, क्या क्या उसमें जो है क्राइटेरिया है। तो बुक लिस्ट मैं आपको इसमें जो रिकमेंड करूँगा वो मेनली जो बुक लिस्ट है उनको मैं बता दूँ आपको, तो उनका मैं नाम यहाँ दरअसल नोट कर देता हूँ। बुक लिस्ट जो आप तैयार करोगे मेनली लूसेंट जो है GS के लिए पढ़ोगे, फिर करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, और मैं मंथली भी रिलीज करता हूँ, मैंने फरवरी के लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि आपको मैथ के लिए कौन सी बुक चाहिए और कैसे आपको पढ़ना है। तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ के लिए या तो आप आर.एस. अग्रवाल आपके पास अगर होगा तो ये चलेगा, आर.एस. अग्रवाल आप बुक ले लो, उसके कम से कम डेली आप ये कोशिश करो कि 100 से 200 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस करो अलग अलग चैप्टर के, जैसे कि एक चैप्टर आपका मन उब गया पढ़ने से तो दूसरा चैप्टर आप शुरू करें और उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करें। मैथ्स जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, मैथ्स भी हम अपने इस चैनल पे पढ़ाएंगे, जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको पढ़ाएंगे। आप कमेंट करिए, बताइए कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, सबकी क्लासेज हम लोग शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे और भी कर देंगे। अब बात करते हैं इसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के लिए क्या करें। दोस्तों, अगर आर.एस. अग्रवाल आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप अरिहंत भी ले सकते हो। मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि 20 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 20 बार पढ़ा जाए, तो ये स्ट्रैटेजी लाइफ लॉन्ग रखिए, क्योंकि नॉलेज अचीव करने में मैंने लगभग जनरल कंपटीशन के 15 से 20 एग्जाम क्रैक किए हैं, और मेरा यही आज तक मास्टर पॉलिसी रहता है कि 20 किताब पढ़नी जरूरी नहीं है, एक किताब को 20 बार पढ़िए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है रीजनिंग में हम कौन देखेंगे, रीजनिंग में अगर आर.एस. अग्रवाल की आप रीजनिंग ले लो तो भी जरूरी है, ठीक है।
और अगर आप ये नहीं ले पाते हो तो अरिहंत की रीजनिंग एक पतली सी आती है वो लेके, लेकिन प्रैक्टिस करो आप। इसमें भी कम से कम 200 क्वेश्चन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से सवाल आए हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर रिसेंट में मैंने सारे वीडियोज़ डाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रीजनिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, जनरल साइंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जो है आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ मैंने डाल दिए हैं। उन सब चैप्टर्स की लिस्ट को आपको देखना चाहिए, उससे आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब बात करते हैं, रीजनिंग हो गई, आपने देख लिया जीएस जो है लुसेंट, सिर्फ एक बुक आप रखो, लुसेंट को थॉरली पढ़ो फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ के, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछा गया है सवाल और ना पूछा जाएगा, तो आपको दिक्कतें आएंगी। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके एंट्रेंस में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि सर MSW में के अलावा हम लोग और कौन कौन सा फॉर्म डाल दें, तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो डाला था MSW MA के प्रोफेशनल कोर्सेज जो भी हैं उनके बारे में। उनमें से कोई भी लिस्ट में से जो भी कोर्स है आप उसको ऐड कर सकते हो, कैसे फॉर्म भरना है, कितना पैसा लगेगा, सारे इन्फॉर्मेशन इस MA के प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें भी मिल जाएगा। BHU MA प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, हर तरह का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और दोस्तों से शेयर भी कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।